नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी onlyairway.com की आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं और दोस्तों हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार आग्रह जरूर करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको नए अपडेट्स का पता लगता रहेगा। दोस्तों लाइक और शेयर भी करना ना भूलें ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, लाभ ले सकें। तो दोस्तों बिना किसी देरी का ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों हम समय समय पर शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में काफ़ी वीडियोज़ करते रहते हैं, तो आज हम किडनी को लेकर के डिस्कस करेंगे। किडनी को कैसे डिटॉक्सिफाई करना है, कैसे साफ़ करना है, वो आज हम डिस्कस करेंगे और आयुर्वेद में इसके लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी हम शेयर करेंगे। तो किडनी को साफ़ करने का उपाय एक बहुत ही सस्ता सा पर रामबाण और इफ़ेक्टिव उपाय आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। किडनी क्योंकि एक बेहतरीन फिल्टर है, हमारे खून की गंदगी को साफ़ करती है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किडनी की सफाई पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। तो इसके लिए आप एक मुट्ठी भर धनिया लें, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और अच्छी तरह से धो लें और फिर एक बर्तन में एक लीटर पानी डालकर इन टुकड़ों को डाल दें और 10 मिनट तक धीमी आंच पर इसको पकने दें। और आपके किडनी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपका ड्रिंक तैयार है, इसको ठंडा होने दें और इस ड्रिंक को हर रोज़ एक गिलास खाली पेट पिएं और आप देखेंगे आपके पेशाब के जरिए सारी गंदगी बाहर आ रही है और आपकी किडनी साफ़ हो रही है। और इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि इसके साथ थोड़ी सी अजवाइन अगर डाल लें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और ये उपाय कोई इलाज नहीं है, ये किडनी से संबंधित मरीज को सिर्फ डॉक्टर की सलाह लेकर ही आजमाएं और इसे एक हेल्दी व्यक्ति के लिए जिसकी किडनी सही भी काम कर रही है उसके लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों धनिया का बहुत ही महत्व है हमारे खाने में भी और शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी, तो आप ये ज़रूर करके देखें, आपको निश्चित रूप से इसके लाभ मिलना चाहिए। आप ये करें और आपके जो भी फीडबैक कमेंट्स आदि हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।